लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आयरन की कमी होने पर डाइट में शामिल करें मूंग दाल सूप। मैं इसके फायदे और इसको बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वस्थ रहने के लिए डाइट में पौष्टिक चीजों का शामिल होना बेहद जरूरी है। जो लोग डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल नहीं करते हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के लिए आवश्यक विटामिन मिनरल्स में आयरन मुख्य भूमिका होता है। आयरन की कमी से व्यक्ति को खून की कमी हो सकती है, साथ ही इससे व्यक्ति को थकान और कमजोरी बनी रह सकती है। महिलाओं में अक्सर खून की कमी के लक्षण पाए जाते हैं। वहीं डॉक्टर भी कहते हैं कि डाइट में बदलाव करने से आयरन व अन्य पोषण की कमी को दूर किया जा सकता है। मूंग दाल का सूप आयरन की कमी को दूर करने के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है, साथ ही आप घर पर किस तरह मूंग दाल का सूप तैयार कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए मूंग दाल के फायदे। मूंग दाल आयरन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसका सूप पीने से महिलाओं में आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है, जो शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति करते हैं। नियमित रूप से मूंग दाल सूप का सेवन करने से एनीमिया की समस्या कम हो सकती है और व्यक्ति के एनर्जी लेवल में सुधार होता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। मूंग दाल में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। फाइबर आपके मल को जोड़ने में मदद करता है। इससे आपको कब्ज, गैस, अपच, एसिडिटी से आराम मिलता है, साथ ही आंतों से सफल होने से आयरन सहित अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। त्वचा में निखार आना। मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। ये त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। ये उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम करता है। आयरन की कमी दूर करने से रक्त में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। इससे त्वचा में चमक आती है और दाग धब्बे भी साफ होते हैं। मूंग दाल सूप कैसे तैयार करें? मूंग दाल में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। फाइबर आपके मल को जोड़ने में मदद करता है। इससे आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी में आराम मिलता है, साथ ही आंतों के साफ होने से आयरन सहित अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। तो मूंग दाल के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मूंग दाल करीब 1/4 कप जो रात भर भीगी हुई हो। गाजर करीब 1/3 कप बारीक कटी हुई। टमाटर करीब 3 बड़े आकार के लें। बीन्स 1/3 कप बारीक कटे हुए। प्याज 1 बारीक कटा हुआ। 2 हरी मिर्च, 3 से 4 कली लहसुन बारीक कटा हुआ। हल्दी 1/4 चम्मच। हरा धनिया करीब 50 ग्राम बारीक कटा हुआ। नमक स्वाद अनुसार, लेकिन काला नमक लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तेल दाल बनाने के लिए करीब 1/2 बड़े चम्मच। अभी इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 1 पैन पानी को डालकर गर्म करें। इसके बाद इसमें टमाटर डालें। इसे 4-5 मिनट उबालें और गैस को बंद कर दें। इसके बाद पानी को निकालकर टमाटर को छिलके को उतारें। इसके बाद इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लें और छलनी से छान लें। इसके बाद कुकर में मूंग दाल, पानी, नमक डालकर 3 सीटी लगा लें। इसके बाद ठंडा होने पर इसके पानी को निकाल लें। अब पैन में तेल डालें और लहसुन और मिर्च और हल्दी डालें। इसके बाद सभी सब्जियों को डालकर पका लें। इसके बाद दाल और टमाटर डालकर पकने दें। सब चीजें अच्छे से पक जाएं तो इसमें पानी मिला दें। गैस को बंद करें। हल्का ठंडा होने पर इसे हरे धनिए से गार्निश करें।
और सर्व करें। इस सूप में कैलोरी, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, कैल्शियम, फाइबर, आयरन पाया जाता है। इसके नियमित सेवन से आप आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर आयरन की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।